सोनीपत लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार सतीश राज देसवाल अपने जनसंपर्क अभियान के तहत जुलाना हल्के के गांव किला जफरगढ़ में किसानों को जमीन एक्वायरमेंट का उचित मूल्य न मिलने के कारण धरने पर बैठे लोगों की मांगों का समर्थन किया। देसवाल ने कहा कि किसानों को अन्नदाता के रूप में जाना जाता है और जब वह अन्नदाता ही अपने हक व न्याय के लिए सरकार के सामने गिड़गिड़ाने लगता है तो उस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। किसानों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अब समय आ गया है ऐसी सरकारों को सबक सिखाने का। ऐसी राजनीति करने वालों को घर बिठाने का समय आ गया है। लोगों को समय आ गया है इनके घर पे बिठाने, कोई जरूरत नहीं ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की। और यही कहने आया हूँ, मैं तो सामाजिक आदमी हूँ, राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। मेरे खानदान में किसी ने मेमोरी का इलेक्शन नहीं लड़ा, कभी सोचा भी नहीं, कभी चाहा भी नहीं। ये तो गांव में 15 अगस्त को बात उठी कि भी आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। मैंने कह दिया था कि मैं राजनीति नहीं जानता, सामाजिक आदमी हूँ, समाज की बात करता हूँ, समाज के बीच में रहता हूँ। 15 साल से अपने बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने और जो सामाजिक बुराइयां हैं उनके खिलाफ लड़ रहा हूँ। और अभी बीड़ा उठा है अपने समाज को दिशा देने के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने किसान भाई की समस्याओं का जोड़ने। बेरोजगारी का बुरा हाल है, सरकारी नौकरियां केवल 1% है, 99% बच्चों को सरकारी नौकरी। और इन लोगों ने ऐसा व्यवस्था बना दी कि हमारे बच्चे सारी जिंदगी ऐसे ही जीवन काटे। ये चाहते नहीं है, ये चाहते हैं गरीब का बच्चा गरीब रहे, मजदूर का बच्चा मजदूर रहे, किसान का बच्चा गरीब किसान रहे, यही चाहते हैं। समय आ गया इन लोगों को सबक सिखाने का, समय आ गया इनको इनके घर पे बिठाने का टाइम आ गया। और यही सोच लेके निकले हैं कि सुधार आए, किसान भाइयों का समस्याओं का निवारण निकले, पैदावार बढ़े। अब ये मुआवजे की इतनी बड़ी बात, इतने दिन से बैठे हुए आप सब लोग, महीना हो गया गरीब, और ये लोग कोई कान पे जूझ नहीं रहे। सारे मेरे मीडिया के भाई आए हैं हरियाणा न्यूज से, मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको कवर करो, समस्याओं को कवर करो आप, जिससे हमारी समस्याएं उनके कान के पर्दे खोले, उनको समझ में आए कि ये चीजें हकीकत नहीं है जो उनके लोग बताते हैं, हकीकत है। तो यहाँ गांव में आकर समझना पड़ेगा, गांव के बीच में आकर देखना।